नमस्कार सबको, मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग ने सुना होगा कि बहुत सारे फ़ोन है जिसमें गोरिल्ला ग्लास है कि उसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रैच हर ग्लास पे पड़ती है, किस चीज़ से पड़ती है, किस चीज़ से नहीं पड़ती, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा माइक्रोमैक्स कैनवास लीवर 5, जिससे आप बता सकते हो कि इसके बैक साइड पर गोरिल्ला ग्लास है। आप देख सकते, पर ये तो टूट गई। गोरिल्ला ग्लास सब लोग बोलते हैं कि स्क्रैच नहीं पड़ता, वो बात सही है कुछ हद तक, पर ये गोरिल्ला ग्लास नहीं सकता, ये बात गलत है। बस ये आप इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से गिराएंगे तो वो शायद आपका फ़ोन झेल लेगी। अगर आप थोड़ा 2-3 बार गिरा दे तो वो शायद टिक नहीं पाएंगे। ये देखिए, मेरा फ़ोन तो एक बार गिर के टूट गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़ोन में स्क्रैच किस चीज़ से आती है और किस चीज़ से नहीं आ सकती। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ये ब्लेड है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक भी स्क्रैच नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं इस पर स्क्रैच करके दिखाता हूँ, ये ब्लेड। अगर आप इसे अच्छे से साफ कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी स्क्रैच नहीं दिखाई दे रही है मुझे। जबकि ये ब्लेड बहुत शार्प है, आप देख सकते हैं। मैं से रहता हूँ, आप स्क्रू ड्राइवर टेस्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते कितना शार्प है ये। इसे आप यहाँ टेस्ट करके देखते हैं। इससे भी कोई स्क्रैच नहीं पड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मेटल टाइप की चीज़ें हैं, इन सब से आपको गोरिल्ला ग्लास में कुछ असर नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा बात है, आप लोग सोच रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर में अभी कोई स्क्रैच नहीं पड़ा हुआ है। और अगर मैं इस पत्थर को लेता हूँ, जो कि देख सकते हैं ये उससे ज़्यादा मजबूत नहीं है, पर अगर मैं इससे स्क्रैच करता हूँ तो आप देखिए, आप देख सकते हैं इसका पॉइंट बहुत शार्प है। अब मैं इसे यहाँ यूज़ करके देखता हूँ। मैं इसे पोंछ के दिखाता हूँ आपको, आप यह देख सकते हैं। यहाँ एक हल्की सी स्क्रैच चाहिए। आप यह देख सकते होंगे, ये देखिए इधर पे। चलिए और इधर में घिस के देखते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे स्केचेस पड़ गई है। यहाँ पर भी मैंने ट्राई किया था, इधर देखिए, इधर आपको शायद ठीक से पता चल रहा हो। देखिए आप, इसमें भी स्केच पड़ी हुई है। आप सब लोग जानते हैं इनकी जो धूल होती है, धूल मिट्टी, वो सब इन रॉक्स से बनती है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आप धूल धूल से स्क्रैच नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है मेटल ये सब चीज़ से स्क्रैच नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ धूल से पड़ेगी। धूल और डायमंड से पड़ सकती है, इन सब से कुछ नहीं होगा, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आप जितना हो सके इन पत्थरों और वो डस्ट से दूर रखें फ़ोन को। अगर फ़ोन में अगर डस्ट आ गया तो आप उसको पहले फूक मार के साफ़ कर ले, उसके बाद कपड़े से साफ़ कीजिए, हाथ से डायरेक्ट साफ मत कीजिए, तब आपके फ़ोन में स्केच आ सकते हैं। वो चाहे गोरिल्ला ग्लास हो या ड्रैगन टेल ग्लास हो, आपको स्केच पड़ेगा ही। और आप लोग अपना फ़ोन ये सब टेस्ट के लिए बर्बाद मत कीजिए। आपको क्यों इतना वो खर्च करना, जब आप 20-40 हज़ार का फ़ोन लेंगे, उसमें आप दो तीन दिन इसके लिए काम के लिए आप वेस्ट मत कीजिए अपने फ़ोन को। धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।